नमस्कार मित्रों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म के बाद पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, हे देवी पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया था। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा था। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। तभी भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा, हे पर्वतराज, मेरा आपको प्रणाम। आज मैं भगवान श्री हरि का दूत बनकर आपके पास आया हूं। श्री विष्णु, भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, इस विषय में आपकी क्या राय है? भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय। तब यह बात सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। जब यही समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया था, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम अत्यंत नाराज हो गई थी, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेलियों को बताई थी, तभी उन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया था। वह वन इतना घना था कि वहां भी सहजता से पहुंच नहीं सकता था, और वैसा ही हुआ जहां तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करती रही, किंतु वहीं दूसरी ओर पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से अति चिंतित हो गए थे। वह इस चिंता में थे कि यदि भगवान श्री विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे और मुझे उनके ताप को सहना पड़ेगा। मित्रों, भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे घोर भयंकर तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया था। इसी बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा था कि, पिताश्री, मुझे क्षमा करें, मैंने बचपन से भगवान शिव को अपना पति माना है और उनके लिए ही घोर तप किया है, और आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह भगवान शिवजी से करने को तैयार हैं, तो ही मैं आपके साथ चलूंगी। हे पार्वती, तुमने ही अपने पिता को और मुझे मना लिया था। तुम्हारे मुख से ऐसी बातें सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया था, जिस कारण से हमारा विवाह संपन्न हुआ, ठीक उसी तरह यदि कोई स्त्री इस हारतालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगी तो मैं उसे मनवांछित वर पति के रूप में प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती को यह व्रत कथा सुनाई थी। हे भोलेनाथ, इस कथा को कहते, सुनते और हुक्कार भरते सब पर कृपा करिएगा। मित्रों, इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। प्रिय दर्शकों, अब इस तीज के व्रत के बारे में कुछ जानते हैं। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं, ताकि उन्हें अपने पति को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त हो। यह व्रत विशेषकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और जो महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती हैं, उन्हें माता पार्वती की कृपा अवश्य मिलती है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत के नियम। सबसे पहली बात, हरतालिका तीज के व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद ही जल पीकर व्रत का समापन करने का विधान है। हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता। हर साल इस व्रत को करने का विधान है। कम से कम 5 वर्षों तक इस व्रत को करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि को जागरण जरूर करना चाहिए। रात भर जागरण करके शिव पार्वती की कथाएं, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। इससे शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन दोनों को ही पवित्र रहना चाहिए, अन्यथा व्रत का खंडन होता है।
तीज के व्रत के दिन महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है। हरतालिका तीज के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन महिलाएं काले रंग की साड़ी ना पहने, ऐसा करना अशुभ होता है। साथ ही महिलाओं को सफेद रंग की साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी अथवा हरे रंग की साड़ी पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। ये रंग सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर समाप्त होगा। उदिया तिथि के चलते हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। वैसे तो हरितालिका पूजन किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन प्रातः काल और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। इस समय महिलाओं को विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:02 से 8:10 तक है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम फल प्रदान करती है। इस दिन पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की रेत की अथवा काली मिट्टी से बनी प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। फिर उत्तर दिशा में पूजा स्थल का निर्माण करके लकड़ी की चौकी को फूलों से सजाकर उस पर केले के पत्ते बिछाए और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करें। इस व्रत की मुख्य परंपरा के अनुसार माता पार्वती जी को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। हरतालिका तीज की पूजा में भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है और पूजन के बाद इस सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय और जय मां पार्वती जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।